नमस्कार, हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं अखंड सुहाग के त्योहार करवा चौथ के बारे में। एक लोक कथा के अनुसार प्राचीन समय में करवा नामक एक स्त्री अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। एक दिन स्नान करते समय उसके पति को एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। करवा दौड़ कर आई तथा उस मगर को एक सूती कपड़े से बांध दिया। फिर वह मृत्युदेव यम के पास गई तथा उसने उस मगरमच्छ को नरक में भेजने का आग्रह किया। जब यम ने यह अस्वीकार कर दिया तो करवा उन्हें श्राप देने को तत्पर हो गई। पतिव्रता के तप से भयभीत यम ने उसकी बात मान ली तथा उस मगर को नरक पहुंचा दिया और करवा के पति को दीर्घायु का वरदान दिया। भारतीय हिंदू नारियों के लिए करवा चौथ का व्रत अखंड सुहाग को देने वाला माना जाता है। विवाहित स्त्रियां इस दिन अपने पति की दीर्घ आयु एवं स्वास्थ्य की मंगल कामना के लिए चंद्र को अर्घ्य अर्पित करके व्रत पूर्ण करती हैं। यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। अत्यधिक श्रद्धा भाव होने के कारण विवाहिताएं कई दिन पूर्व ही इस व्रत की तैयारियां शुरू कर देती हैं। करक चतुर्थी को ही करवा चौथ कहा जाता है। इस व्रत में सुहागिनी स्त्रियां चंद्रोदय होने पर तांबे या मिट्टी के एक पात्र करवे में पूजा की सामग्री आदि रखकर चंद्रमा को अर्घ देने के बाद दान करती हैं। इसलिए भी इसे करवा चौथ व्रत कहा जाता है। इस दिन केवल चंद्र की ही पूजा नहीं की जाती अपितु शिव पार्वती और शिव स्वामी कार्तिकेय और गणेश की भी पूजा होती है। शिव पार्वती की पूजा का विधान इसलिए है कि जिस प्रकार शिव का व्रत करके पार्वती ने अखंड सौभाग्य प्राप्त किया वैसा ही उन्हें भी मिले। इस दिन स्त्रियां पूर्ण श्रृंगार करके ईश्वर के समक्ष दिन भर के व्रत के बाद यह प्रण भी करती हैं, वे मन वचन और कर्म से पति के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना रखेंगी। वे ईश्वर एवं चंद्रमा से अपने अखंड सुहाग के लिए प्रार्थना करती हैं। इस व्रत को द्रौपदी ने भी किया था। करवा चौथ के दिन स्त्री अपने पति के दीर्घ जीवन की कामना के लिए उपवास रखती है। सास पूरा प्रयत्न करती है कि बहू उपवास रखे, आखिर उसके पुत्र के जीवन का प्रश्न है। करवा चौथ दिवाली के 9 दिन पहले पड़ता है। करवा चौथ की तैयारियां एक सप्ताह पूर्व ही प्रारंभ हो जाती हैं। स्त्रियां सौंदर्य केंद्रों में जाती हैं तथा मेहंदी से अपने हाथों को महीन महीन डिजाइन से सजाती हैं। आभूषण एवं वस्त्र व्यापारी इन दिनों बहुत अच्छा कारोबार करते हैं। इस दिन स्त्रियां सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाती हैं। वे शिव पार्वती गणेश कार्तिकेय एवं चंद्रमा की उपासना करती हैं। वे अपने पति एवं बच्चों के दीर्घ जीवन एवं समृद्धि की कामना करते हुए प्रार्थना करती हैं। सास अपनी बहुओं के लिए स्वादिष्ट पकवान जिसे सरगही कहा जाता है बनाती है। सरगही में फल मिष्ठान एवं दूध में भीगी फेनी होती है। यह सब सूर्योदय से पहले खाना होता है क्योंकि सूर्योदय के साथ ही उपवास भी आरंभ हो जाता है। उपवास का अंत चंद्रमा की प्रार्थना के बाद रात में ही होता है। यह उपवास इसलिए कठिन होता है क्योंकि स्त्रियां इस दिन भोजन एवं जल ग्रहण नहीं करती। उपवास के दिन स्त्रियां नहीं खाना पकाती हैं और ना ही अन्य कार्य करती हैं। इस अवकाश का प्रयोग कर स्त्रियां चूड़ी वाले और मेहंदी वाले के पास जाती हैं। वे चूड़ियों से अपने दोनों हाथ भी भर लेती हैं, काजल एवं बिंदी भी खरीद जाती हैं। सभी स्त्रियां पूरे मन से यह पर्व मनाती हैं। संध्या पूर्व स्त्री को अपनी माँ द्वारा भेजा बयां प्राप्त होता है जिसे मूलतः सास को दिया जाता है। भेंट से भरी बयां जिसे बायन भी कहते हैं, उस टोकरी में मिष्ठान मठरी फल एवं साड़ी होती है। सूर्यास्त से पहले एक स्थान की लगभग सभी स्त्रियां एक घर में एकत्रित होकर पूजा का स्थान बनाती हैं। इस पूजा चौक को बढ़िया ढंग से सजाया जाता है तथा दीवार के सहारे एक उच्च स्थान पर स्थापित किया जाता है। गौरी माता या भगवती पार्वती के चित्र पूजा स्थल में रखे जाते हैं। प्राचीन समय में यह चित्र गोबर के लेप से बनाए जाते थे। पूजा में करवा का होना आवश्यक है। यह करवा मिट्टी का एक छोटा सा घड़ा होता है जिसमें एक नल एवं ढक्कन होता है। करवे की अनुपस्थिति में इसी से मिलता जुलता बर्तन रखा जा सकता है। सभी स्त्रियां अपने अपने बायन के साथ इस चित्र के चारों ओर बैठती हैं। प्रत्येक स्त्री अपने सम्मुख अपना जल भरा करवा रखती है। कुएं के साथ
टुकड़े भी साथ रखे जाते हैं। करवे के चारों ओर लाल धागा बांधा जाता है। पूजा के प्रारंभ में स्त्रियां पहले भगवती गौरी को और फिर स्वयं को रोली टीका लगाती हैं। देवी पर पानी छिड़का जाता है। अंत में मूर्ति पर धान की वर्षा की जाती है। परिवार की प्रौढ़ महिला करवा चौथ की महागाथा सुनाती है। विधवा भी इसे सुना सकती है। स्त्रियां फिर अपने पति के प्रति शुभकामनाओं एवं दीर्घ जीवन की प्रार्थना करती हैं। प्रार्थना करते हुए वे अपने बयान एक के बाद दूसरे को श्रेणीबद्ध रूप से देती हैं। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।